हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वीडिश रंधावा और मैंने आपको बताना था आज इधर कोरोना वायरस के बारे में कि आज जो स्वीडन में है वो बिल्कुल लॉकडाउन हो गया है और किसी भी अटेंडेंट को हॉस्पिटल में आने की परमिशन नहीं है। हम अभी आए थे अपने डैड का पता करने और सूप लेके आए थे, लेकिन ये देखें उन्होंने वापस भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, पेशेंट से नहीं मिल सकते, इसलिए खाना नहीं दे सकते और मुकम्मल जो है वो लॉकडाउन कर दिया है और बरतानिया में भी और यूरोप में भी कि हम किसी से गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई भी, कोई पार्टी, कोई क्लब वगैरह कुछ नहीं, कोई शादी नहीं, कोई और यूनिवर्सिटी भी बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। और कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो सारे आज स्वीडन में जो है वो लॉकडाउन है। कोई हॉस्पिटल में नहीं आ सकता, कोई भी अटेंडेंट, सिर्फ पेशेंट होंगे। ये देखें सारा हॉस्पिटल खाली। ये देखे पहले पार्किंग भी सारी फुल होती है, लेकिन आज जो है वो पार्किंग भी सारी खाली खाली है। और खोलो, और पहले यहाँ पे जगह नहीं मिलती गाड़ी पार्क करने के लिए, लेकिन आज जो हॉस्पिटल की पार्किंग है वो सारी खाली है। और कोरोना वायरस जो है वो बुरी तरह से फैल चुका है और यूरोप में है जो सारा वो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल और हॉस्पिटल बंद कर दिया है। हॉस्पिटल में सिर्फ वही पेशेंट रहेंगे जो एडमिटेड हैं, कोई बाहर से अटेंडेंट जो है वो विजिट नहीं कर सकता। ये यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का फैसला है कि लॉकडाउन करने के लिए, तो इसलिए हम भी अभी अपने डैड का पता करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने वापस भेज दिया कि आप नहीं मिल सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो है सर्जिकल मास्क और जो है ग्लव्स और पेनाडोल और हैंड सैनिटाइजर, वो चीज़ें नहीं मिल रही। हम कल से जो है वो सर्च कर रहे हैं, बल्कि 3-4 दिनों से, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, तो सारा कुछ बैन कर दिया। ये देखिए रश नहीं है, नहीं तो हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज नहीं है। और पार्किंग भी काफ़ी हद तक जो है वो खाली है, तो इसलिए आप सब भी एहतियात कीजिए। जब घर से निकलें तो मास्क वगैरह पहन के जाएं और हैंड सैनिटाइजर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी आज की अपडेट। आप स्वीडिश रंधावा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।